अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब दोस्त ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त ठीक होंगे। तो पता है, एक दो वीडियो में आपको बताया था कि वो मुर्गी ने बच्चे निकाले हुए हैं। तो वो ये है कि मशरा शरा करते रहते हैं, तो दोस्त जो इधर हैं उनसे, क्यों खुद तो नया नया काम है, वैसे नया नया शौक बना है, तो बंदों से मशवरा करता रहता हूँ कि क्या क्या देना चाहिए। पहले एक बंदे ने बोला कि जी फीड देनी चाहिए, 0 नंबर जो फीड है या 4 नंबर जो फीड है वो देनी चाहिए। और अब जो 3-4 दिन दिए वो, तो वो कहते हैं कि एक जगह डालनी चाहिए फीड। एक और दोस्त से मशवरा किया तो वो कहता है जी कि अमवाज जो है पहले हफ्ता 10 दिन जो है इसमें अमवाज जो है वो चूज़ों की ज़्यादा होती हैं, इसके लिए उनको थोड़ा समय, एक मतलब है कि माहौल थोड़ा खुला दें, ये चेक करें अभी इनको नीचे कमरे में ले आए हैं, इस कमरे में ले आए हैं उनको, इसीलिए लिए खुल ही रहे हैं चेक करें, इधर खुला ले आए हैं, चलो इधर रहेंगे। उसके बाद जो है वो फीड पहले तो वो देता था, अभी किसी ने बोला है जी कि चावल दें, और चावल ये है कि उसके बीच में नहीं डालने, क्यों ये है फिर वो हजम शजम उनको नहीं होते, थोड़ा चलते फिरते रहें चल फिर के खाएं, तो फिर ये है कि वो हजम होते रहते हैं चावल। अभी इनको थोड़े से चावल देते हैं, नीचे इधर फेंकते हैं, ये इधर नीचे फेंकते हैं, ये इंशाल्लाह खुद ही इधर से मतलब है इधर खुद ही खाते रहे, माशाल्लाह भी तब तो अल्लाह का करम है तो ठीक है, ये देखो खुद ही खा रहे हैं ये, तो ये खुद खाए ना इस तरह। और इसके बाद घूमे फिरे मतलब जगह खुली हो, क्यों कई बंदे इस तरह करते हैं कि वो कर देते हैं क्लोज जगह पे रख देते हैं, और क्लोज जगह पे ये होता है कि या तो मुर्गी के पाँव आ जाते हैं उस जगह पे जिसके नीचे वो अमवात हो जाती हैं, या अभी मौसम जिस तरह अभी गर्मी है गर्मियों में इस तरह करते हैं, गर्मी की वजह से मर जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा खुला मौसम दें जिसमें एग्जॉस्ट शास्ट हो, मतलब आवाज़ जो है वो ना, जिसकी वजह से मतलब गर्मी पैदा ना हो उनके लिए, एक तो ये है। और दूसरा ये है कि गुड़ वाला पानी दें, गुड़ वाला पानी पहले 10-1 दिन वो दे दिया करें, 2-3 दिन छोड़ कर, उससे ये होता है कि पेट शेट की जो है वो सफाई सारी हो जाती है, जो मतलब है जब पैदा होते हैं तो उसकी वजह से वो जो है ना अंदर गंद छंद होता है आंतों शांतों में, वो ये गुड़ के पानी से वो साफ़ सफाई हो जाती है सारी। और ये हफ्ता 10 दिन जो है वो ज़्यादा रिस्की होते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह जब खुद खाना पीना शुरू हो जाते हैं फिर इतना मसला को नहीं होता, तो ये माशाल्लाह अभी तक तो ठीक है। और इसके बाद जो है यो तकरीबन 10 या 12 दिन के बाद वो कहते हैं कि वो मोटा दाना होता है, 14 नंबर फीड बेशक देना शुरू कर दें, उससे ये होता है कि 3-1 मंथ आप 14 महीने वाली जो है वो फीड देना, तो उसमें हो जाता है चूज़ा मतलब है ग्रोथ ठीक करता है, 3-4 मंथ दें बेशक। उसके बाद बाजरे की होती है कि बाजरा लोग ज़्यादातर देते हैं, लेकिन बाजरे में ये है कि ग्रोथ थोड़ी कम होती है उस तरह, पहले 3-4 महीने जो है वो बीमारियाँ शरीर के भी इनको ज़्यादा लगती हैं, तो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो तो अगर मतलब मुर्गी सेहतमंद है एंटीबॉडीज उसमें हैं फिर तो वो ट्रांसफ़र होती हैं बच्चों में, जिसकी वजह से मतलब बच्चे बीमार नहीं होते। ये लाजमी ट्राई करेंगे, इसमें कोशिश करेंगे कि इनको एक खुली जगह पे रखें और ये एक गुड़ वाला पानी दें, ये करें, इतनी दवाई से मतलब है देने की ज़रूरत को नहीं, अगर कोई बीमार हो जाए, अगर कोई इस तरह है कोई चूज़ा सुस्त है बीज में से, तो माशाल्लाह खाना शुरू कर देते हैं खुद ही, वो फिर ये है कि उनको अलग कर दें दूसरे चूज़ों से, वो खुद बहुत ही इंशाल्लाह ठीक हो जाते हैं। और जो इंशाल्लाह सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह चैनल को, और जो कोई कमेंट शेंट है कोई कमेंट में दिया करें, कोई गलती हो जाती है जो कुछ भी हो मतलब है वो लाजमी बताया करें कि क्या गलती है या किस तरह बनाना चाहिए, वो थोड़ी सी आपकी हेल्प है तो वो इंशाल्लाह उससे बेहतर हो जाता है काफ़ी। और भी दो बैठी हुई हैं जो इन पर तजर्बा करते हैं कि इनकी ग्रोथ क्या होती है, अभी तो माशाल्लाह ये देखिए चेक करें ये खा रहे हैं शौक से, पहले ये है कि 10-12 दिन इनको चावल देते हैं, ये जो टोटा चावल है पूरा साबुत चावल नहीं डालना, टोटा चावल डालना है, टोटा चावल डालें इनको इंशाल्लाह वो ठीक होगा। उसके बाद फिर ये है कि 10-12 दिन बाद बेशक फिर जो मर्ज़ी है मतलब है वो करें, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है जी, ये देखें ये निकल आते हैं,
पिजन जो है वो निकल आते हैं अंदर से, लेकिन घुसते नहीं है। ये देखिए सारे बैठे हुए हैं भाई, उधर सुराख बनाया हुआ है, एक उस सुराख से निकल आते हैं, लेकिन ये पता नहीं इनकी तरतीब क्यों नहीं बनती। कल एक उड़ गया था, वो बड़ा मुश्किल से मिला है बाहर, एक खड़ा हुआ था आदमी, उसको वैसे मैंने बोला, मैंने कहा इधर मेरा जो है पिजन जो है वो उड़ा है, वो इस तरफ आया है, वो कहता है सही है इधर ही पड़ा हुआ है, तो ये ले लें। ये अभी इनका ये मसला है कि बस हो जाते हैं, निकल आते हैं खुद ही उस साइड से, लेकिन उस साइड से अंदर जाते नहीं हैं। पता नहीं अभी कब आदत बनाएंगे, और थोड़ा ये है कि चलें इजी हो जाएगा उसमें, खुद ब खुद निकले ना उसमें, थोड़ा इजी हो जाता है, तो टेंशन परेशानी इतनी को नहीं है जी। जब दिल हुआ नहीं बाहर खुराक शक पड़ी होती है, चलें वो खा के और गुजारा कर लेंगे। दूसरी जो मुर्गियाँ हैं उनको भी पता नहीं कितने दिन अब रह गए हैं, एक को तो मेरे ख्याल में 13-14 दिन रह गए होंगे। और एक ये है कि पानी का लाजमी ध्यान रखें, कि पानी ज़्यादातर बंदा जो है वो टंकी से डालता है, या कूलर से तो नहीं डालें, कूलर वो ठंडा होता है, टंकी वाले पानी बंदा ज़्यादातर डालता है, वो गर्म होता है बाहर। अभी मौसम इस तरह हो गया, गर्मी ज़्यादा होगी है, तो वो जो है ये गर्म पानी बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा मतलब है हवादार जगह पर रख दे थोड़ी देर डाल के पानी, उससे ये है कि थोड़ा कंट्रोल में हो जाता है वो पानी, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, इसकी वजह से वो आसानी से पी लेते हैं। तो ये लाजमी इंशाल्लाह कोशिश करें जी, और सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें चैनल को, क्यों नए यूट्यूबर हैं उनको, पुरानों को चाहिए लाजमी कि उनको थोड़ा सा प्रमोट करें, क्यों हर बंदा शौक की वजह से लगा होता है। अभी इस वजह से काफ़ी सारे आ गए हैं मतलब बंदे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं।